Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा school. And today's topic is मराठी सुलभाती इयत्ता पाचवी पाठ्यपुस्तकातील 21वी कविता छोटे से बहीण भाऊ. बघूया या दोन छोट्याशा बहीण भाऊंची ही कविता काय आहे ती आणि त्यावरचे प्रश्न सुद्धा. करूया सुरुवात. उससे पहले आप हमारे ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट folinsports.com, मराठी विषय सर्व काही marathirang.com, टेक साइट techfreak.com, एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक कर. तो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत. छोटे से बहीण भाऊ, मराठी सुलभाती इयत्ता पांचवी, और ये है हमारी पोएम छोटे से बहीण भाऊ. छोटे से बहीण भाऊ उद्याला मोठाले हो, इसका मतलब छोटे से ये जो बहिण भाऊ मतलब क्या भाई बहन, ये छोटे से भाई बहन जो है वो कल बड़े होने वाले. उद्याला मोठाले हो मतलब हम कल बड़े होने वाले है. उद्याचा जगाला उद्याचा युगाला मतलब कल का जो विश्व है, कल की जो दुनिया है, उस दुनिया को हम नया आकार दे, नवीन आकार दे, तो उस दुनिया को हम नया आकार देने वाले है. ओसाड़ उजाड़ जागा मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं, ऐसी बंजर जमीन. ओ साड़ जड़ जागा होती ला सुंदर बागा, तो ऐसे जमीन को हम सुंदर बगीचे में कन्वर्ट करेंगे, उसको बदलेंगे. शेतान्ना मळ्यांना फुलान्ना फळान्ना, शेत मतलब खेत और मळ्यांना मतलब बड़े खेत, फुलान्ना फळान्ना, फुलान्ना मतलब फूल और फळान्ना मतलब फल. नवीन बहार देव तो उनको एक नई बहार देंगे. मोकळ्या आभाळी जाऊ खुले आसमान में जाएंगे. मोकळ्या गळ्याने गाऊ और खुले मन से गाएंगे. निर्मल मनाने आनंद भराने आनंद देवो आणि घेऊ, निर्मल मन मतलब स्वच्छ मन से, आनंद भराने मतलब बहुत आनंद लेंगे, खुद भी आनंद लेंगे और दूसरों को भी आनंद देंगे. आनंद देवो आणि घेऊ तो यहाँ पे हम दूसरों को आनंद भी देंगे हमारे गीत से और खुद आनंद भी लेंगे, तो इस तरह से हम हमारे काम करते रहेंगे. प्रेमाने एकत्र राहू नवीन जीवन पाहू, तो हम सब प्यार से रहेंगे, एक साथ रहेंगे, नवीन जीवन पाहू एक नया जीवन देखेंगे. अनेक देशान से भाषान से वेशान से, अलग अलग देश के अलग अलग भाषाओं के अलग अलग पोशाकों के जो लोग रहेंगे उनको भी साथ लेके, अनेक मतलब जितने भी अलग अलग है उन सब को अनेक होने के बाद भी हम एक होके रहेंगे, तो सब एक ही में रहेंगे. तो बहुत ही बड़ा गहरा मीनिंग, बहुत ही गहरा अर्थ इस पोएम में समाया हुआ है, जो लिखी है वसंत बापट, एक मराठी के बहुत ही फेमस पोएट है. ठीक है, तो चलो एक बार थोड़े से सुरीले स्वर में गाते हैं. पता है मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके लिए फिर भी थोड़ी सी कोशिश करूँगा. ठीक है. छोटे से बहीण भाऊ उद्याला मोठाले हो, उद्याच्या जगाला उद्याच्या युगाला नवीन आकार दे. छोटेसे बहीण भाऊ उद्याला मोठाले हो, ओसाड उजाड जागा होतील सुंदर बागा, शेतांना मळ्यांना फुलांना फळांना नवीन बहार देऊ. छोटे से बहीण भाऊ उद्याला मोठाले हो, मोकळ्या आभाळी जाऊ मोकळ्या गळ्याने गाऊ, निर्मल मनाने आनंद भराने आनंद देव आणि घेऊ. छोटे से बहीण भाऊ उद्याला मोठाले हो, प्रेमाने एकत्र राहू नवीन जीवन पाहू, अनेक देशांचे भाषांचे वेशांचे अनेक एकच हो. छोटे से बहीण भाऊ उद्याला मोठाले हो, उद्याच्या जगाला उद्याच्या युगाला नवीन आकार दे. छोटे से बहीण भाऊ उद्याला मोठाले हो. तो कैसी लगी आपको ये पोएम? चलो इस छोटे से पोएम को अच्छे से समझने के बाद, अच्छे से गाने के बाद, अभी इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. बगैर तर कायत प्रश्न या धड़ा या कविते वर्चे, तो देखते हैं.
क्वेश्चंस। पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। बगिया शब्दार्थ मोठाले, मोठाले मतलब बड़े, तो यहाँ पे बिग दिया है, मतलब हम आज छोटे हैं तो कल बड़े होने वाले। युगाला मतलब नया पर्व, एक नया युग, नया ईरा, न्यू ईरा। नेक्स्ट है बहार। बहार मतलब फूल, जहाँ पे बहार के आते हैं ना, बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो ऐसा वाला मौसम, ब्लूम। निर्मल मतलब स्वच्छ, सच्चा, जैसा क्लीन और प्योर। फिर वेशान से, तो यहाँ पे क्लोथ मतलब अलग अलग पोशाक पहनने वाले जो लोग हैं, इन सबको लेके हम क्या रहेंगे करने वाले हैं, एक ही रहने वाले। तो ये सारे कुछ अलग शब्द थे जिनके मीनिंग हमने इंग्लिश में भी देखे, हिंदी में भी समझ लिए। ठीक है, तो मुलानो तुम्हारा मराठी थी कळला असेल काय काय येते, है ना। बघूया यावरचे काही प्रश्न, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। खाली प्रश्नांची उत्तर द्या, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखो। ओसाड उजाड़ जागा कशा होणार आहे, तो ये जो बहन भाऊ है वो इन जगहों को कैसे बनाने वाले है? जो ओसाड़ और उजाड़ जो जगह है उनको, बंजर जमीन को क्या करने वाले है? ओसाड़ उजाड़ जागा सुंदर बागा होणार आहे, तो इनको वो सुंदर बगीचे में वो कन्वर्ट करने वाले। छोटे से बहन भाऊ कसे गाणार आहेत, वो कैसे गाने वाले है? मोकळ्या गळ्याने गाणार आहे, छोटे से बहन भाऊ मोकळ्या गळ्याने गाणार आहे। तीसरा प्रश्न है, छोटे से बहन भाऊ कसे राहणार आहे, तो इसका आंसर एकत्र राहणार आहे। बरोबर, छोटे से बहन भाऊ प्रेमाने एकत्र राहणार आहेत। इसके ऊपर कुछ ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे, लेकिन हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर लिखना, हम उसके आंसर्स देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो यही पे खत्म करते हैं आज के हमारी ये छोटी सी और बहुत बहुत सुंदर पोएम जो लिखी थी वसंत बापट जी ने। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।